0702। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं आने का आरन हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पंजाब ने केंद्र से मांगा 1,000 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज। सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बाढ़ पीड़ितों का कर्ज माफ करने की उठाई मांग। हिमाचल विधानसभा में उठा मंडियों में सेब किसानों से धांधली का मुद्दा। सरकार ने टेलीस्कोपिक कार्टन की जगह यूनिवर्सल कार्टन लाने का किया ऐलान। सेब की पेटियों में ज्यादा सेब रखने पर लगेगी लगाम। पंजाब के भटिंडा में कपास की खेती छोड़ रहे किसान। लागत के मुकाबले किसानों को नहीं मिल रही सही कीमत। आर्थिक मंदी से हालात और भी खराब होने की आशंका। एमपी के राजगढ़ में बारिश के बाद इल्लियों ने पहुंचाया सोयाबीन की फसल को नुकसान। धूप न होने से कीटनाशक हो रहे बेअसर। किसानों ने सरकार से की आर्थिक मदद की अपील। बाढ़ ने पंजाब के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपए के विशेष बाढ़ राहत पैकेज की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की भी अपील की है। फिलहाल राज्य में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जालंधर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को जरूरी चीजें मुहैया कराने के साथ टूटे बांधों की मरम्मत का काम भी जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार ने मदद नहीं की तो भी राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगी। जरा जरा कलैमिटी रिलीफ फंड है और डिजास्टर रिलीफ फंड तो असी पैकेज मंगया, लेकिन मैं थोड़ा एक दसदा, चाहे वह आवे या ना आवे वो तो हम प्राइम मिनिस्टर की गल है, असी कोई पैसे की घाट इस काम वास्ते नहीं होने देनी। मैनू कोई काम बंद करने पैन मैं कर दूंगा बंद, लेकिन उरे इस रिलीफ वास्ते पूरा। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में सैलाब का खेती किसानी पर बुरा असर पड़ा है। सब्जियों की फसल चौपट होने का असर इसकी कीमतों पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब में टमाटर और प्याज की कीमत करीब 2 गुना तक बढ़ गई है। चंडीगढ़ में एक हफ्ते पहले तक जहां 1 किलो टमाटर की कीमत 20 से 25 रुपये थी, वही अब बढ़कर 50 रुपये पहुँच गई है। वहीं टमाटर की कीमत 40 से बढ़कर 80 रुपये किलोग्राम हो गई है। वहीं भिंडी की बात करें तो यहाँ भी 40 की जगह 60 रुपये भिंडी बिक रही है। यही हाल मध्य प्रदेश में भी रहा है। यहाँ भी सब्जियों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। यहाँ हरी धनिया और अदरक की कीमत 200 रुपये किलोग्राम तक पहुँच गई है। हिमाचल प्रदेश की मंडियों में सेब किसानों के साथ तौल में होने वाली धांधली का मुद्दा विधानसभा में उठा। इससे किसानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने अभी इस्तेमाल होने वाले गत्ते के टेलीस्कोपिक कार्टन बॉक्सेस को अगले सीजन से बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल मंडी में सेब की बोली पेटियों के आधार पर लगती है, इसलिए आढ़ती और लदानी मिली भगत करके पेटियों में 20 किलो की जगह 28 से 34 किलो तक सेब भर लेते हैं। इससे बागवानों को भारी घाटा उठाना पड़ता है। सरकार अब इसकी जगह पर यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की बात कह रही है। इससे आढ़तियों के लिए एक पेटी में 20 किलोग्राम से ज्यादा सेब रखना संभव नहीं हो पाएगा। सरकार ने इसके लिए खरीद बिक्री से जुड़े कानूनों में बदलाव करने की भी बात कही है। जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो ज़्यादा नुकसान किसानों को होता, बागवानों को होता, क्योंकि उसमें जो है 10 और 15 किलो मिनिमम जो है वो जो एक्सेस जा रहा है। अभी हमने कहा कि आने वाले, क्योंकि अभी तो बारदाना लोगों ने खरीद लिया और सेब मार्केट में जा रहा है, अभी इस सीजन के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन आने वाले सीजन के लिए इस बात को सोचा जा रहा है कि यूनिवर्सल कार्टन जो है एक ही डब्बा होगा, दोहरे डब्बे नहीं होंगे, उसमें केवल और केवल मात्र जो है उसमें 20 किलो सेब आएगा। और वो किसी भी मंडी में, फिर ऐसा नहीं होगा किसी मंडी में किसी जगह जो है वो किसी 28 किलो की पेटी है, 32 किलो की है, किसी जगह 20 किलो की है। हम दोबारा से जो हमारा एक्ट है
उस एक्ट में संशोधन करने के लिए जो है अगले सत्र में आएंगे। मोदी सरकार किसानों के लिए शुरू की गई अंशदायी पेंशन योजना को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ सकती है। सरकार किसानों को सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए में से पेंशन योजना का प्रीमियम काट सकती है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अपने हिस्से का प्रीमियम पीएम किसान सम्मान निधि से चुकाने का विकल्प दिया जा सकता है। इससे किसानों को अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पेंशन योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसके तहत 18 से 40 साल के किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को आयु के मुताबिक हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का प्रीमियम भरना होगा, जबकि आधा प्रीमियम सरकार देगी। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिल सकेगी। मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश सोयाबीन की फसलों के लिए आफत बन गई है। फसलों में इल्लियों के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान होने का डर सताने लगा है। देखिए राजगढ़ से ये रिपोर्ट। सोयाबीन के पौधों के साथ अधिकारी को घेरे ये किसान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के हैं, जो ज्यादा बारिश और इल्लियों से चौपट हो रही फसलों के लिए मुआवजे की मांग करने आए हैं। बीते 20 दिनों से जारी बारिश के चलते सोयाबीन के फूल गिर गए, जिसके बाद अब इल्लियों ने फसलों को चट करना शुरू कर दिया है। सही से धूप नहीं मिलने की वजह से इल्लियों पर कीटनाशक भी बेअसर साबित हो रहे हैं। और जितनी भी फसल हमारी सोयाबीन की जितना रकबा है, टोटल रकबे में फल फूल नष्ट हो चुके हैं। किसान इस समय बिल्कुल परेशान हो चुका है। फूल तो आए थे, प्राकृतिक तो फूल आए थे, लेकिन इल्ली और अधिक पानी की वजह से पूरे फूल नष्ट हो गए। सोयाबीन को इल्लियों के साथ लाल रंग का उड़ने वाला कीड़ा भी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर अधिकारी नुकसान का आकलन होने के बाद किसानों की मदद का आश्वासन दे रहे हैं। सूचनाएं मिली हैं कि कुछ एक जगह पर सोयाबीन की फसल को कुछ एक नुकसान हुआ है, कुछ में फ्लावरिंग नहीं हुई है एक्सेट्रा। तो इसके संबंध में एक अंतर विभागीय समिति एग्रीकल्चर विभाग की और राजस्व अधिकारियों की गठित की जा करके सर्वे का काम शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में कम बारिश से सोयाबीन की बुआई में देरी हुई और अब ज्यादा बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसे में किसान सरकार से फसलों के नुकसान की भरपाई किए जाने की आस लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गोविंद सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान के झालावाड़ जिले में भी बारिश और बाढ़ से नुकसान उठाने वाले किसानों को सरकार से मुआवजा किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने अपनी खराब फसलों के साथ नारेबाजी की। उन्होंने तहसीलदार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। इसमें फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की अपील की गई है। किसानों ने बताया कि लगातार बरसात से सोयाबीन और मक्का की फसल खराब हो गई है। क्षेत्र में बारिश लगातार ज्यादा होने के कारण क्षेत्र के सभी सोयाबीन में लगभग 75% खेतों में मतलब फल जर चुके हैं और उनमें एक दाना भी एक भी फली का नहीं आया। 100% नुकसान। तो श्रीमान से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से सभी पटवारी और कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्देश देकर के खराबा दर्शाया जाए। झारखंड के जमशेदपुर में किसानों ने अपनी जमीन को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर पानी की टंकी बनाने के लिए जबरन जमीन छीनने का आरोप लगाया है। दरअसल NH-33 सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर सरकार पानी की टंकी बनाना चाहती है, ताकि लोगों को पीने लायक पानी मुहैया कराया जा सके, लेकिन किसान इसके लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। वहीं प्रशासन ने किसानों से बातचीत के बाद ही पानी की टंकी बनाने की बात कही है। हम लोग तो ये वाला जमीन को लिख के दिए थे सरकार को, लेकिन ये वाला नहीं करके वहाँ पर बनवा रहा है। उसके लिए ग्रामीण क्या कर रहे हैं? तो विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब हम लोग को यहाँ पर होना चाहिए। हम लोग को जल मिलन के लिए विरोध नहीं है, जल मिलन हम लोग को ये वाला प्लॉट में होना चाहिए 799 में, लेकिन वहाँ नहीं करके किसी व्यक्ति का जमीन पर कब्जा करके जल मीनार बनाना हम लोग को अच्छा नहीं लगता। तीन ठो गांव विरोध कर रहा है जल मीनार बंद करने के लिए। वहाँ क्यों नहीं चाहिए जल मीनार?
क्यों नहीं चाहिए? क्या पानी पीने स्वच्छ पानी नहीं चाहिए पीने के लिए? जहाँ जहाँ हम लोग निश्चित किया है वहाँ नहीं बना रहा है, इसीलिए कुछ अवैध दखलकार का दावा कुछ लोग कर रहे हैं और इसके कारण विरोध कर रहे हैं। उन्हीं को देखने और बात करने आए थे, जो भी लीगल तरीके से सही होगा उस अनुरूप काम होगा, उपायुक्त इस पे निर्णय लेंगे। आर्थिक मंदी के चलते धागा मिलें बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन इसका असर देश में कपास की खेती से जुड़े किसानों पर भी पड़ने वाला है, जो पहले से ही इसकी खेती में घाटे से परेशान हैं। देखिए पंजाब के भटिंडा से ये रिपोर्ट। कपास उत्पादन में पहचान रखने वाले पंजाब के मालवा इलाके में इसकी खेती घटती जा रही है। अकेले भटिंडा जिले में कपास की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले घट गया है। यहाँ के किसान कपास की जगह पर धान की खेती का रुख कर रहे हैं। पिछले साल बहुत 30 मन तो 20 मन घट झाड़ निकलता, इस करके हम लोग झोने नहीं बढ़ते जाते हैं। नरमे का ना कोई भा सू देंगे, एक सूडी खा गई ना कोई हों, फिर जो करके पहले 7,000 रेट से ਹੁਣ ਮਲਾ 3,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਝੋਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਕਪਾਸ ਕੀ ਖੇਤੀ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਮੇ ਬਿਮਾਰੀਓ ਕਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਖੇਤੀ ਕੀ ਲਾਗਤ ਬੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ ਚਲਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਪਾਸ ਕੀ ਕੀਮਤ 4500 ਸੇ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹੀ, ਜਬਕਿ ਇਸ ਕੀ ਖੇਤੀ ਪਰ ਲਾਗਤ 7 से 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਥੀ। इसके लिए किसान सरकारी खरीद ना होने को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनकी लाइट घट आ रही है, तो भी बहुत जब बने खड़े है, सरकार खरीदूगी पर नहीं, तो ऐस करके झोने खड़े होना पो नरमे तो। ते नरमे की सरकारी खरीद ना होना तो उन्होंने पूरे जोड़े भा ना मिलने, इस करके असं जी नरमे की खेती तो छड के पिछे हथ खिंच रहे हैं। अगर जे सरकार चाहती आ कि किसान नरमे की खेती कर, वो ये है कि बदगा किसानों बी ते सरकारी खरीद का प्रबंध किया जाए, यही आता कि जी नरमे की खेती आ वह बरकरार रखी जाए। कम कीमत मिलने से परेशान किसानों को आर्थिक मंदी की चपत लगने की भी आशंका है। अपने हालिया विज्ञापन में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी निटमा ने आर्थिक मंदी के चलते एक तिहाई धागा मिले बंद होने का दावा किया है। अनुमान है कि इसके चलते अगले सीजन में तैयार होने वाले लगभग 80,000 करोड़ रुपए के कपास को कोई खरीदार नहीं मिल पाएगा। इससे किसानों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों को भी घाटे का डर सता रहा है। आढ़तियों को इस बहुत बड़ा नुकसान है जी, क्योंकि जो नरमे की फसल किसी भी कारण करके घट होंगी है तो आढ़तियों का कमीशन नहीं आता, आढ़तियों की रिकवरी नहीं होंगी, क्योंकि आढ़तियों तो जिम्मेदारों की लोड़ा पूरी ही करनी पैंती है। कपास की खेती में पहले से घाटा उठा रहे किसानों पर अगर आर्थिक मंदी की मार पड़ी तो आने वाले दिनों में इसकी खेती छोड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब के भटिंडा से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। किस इलाके में कौन सा पौधा लगाना ठीक रहेगा, इसके लिए उत्तराखंड का वन विभाग बेहद आधुनिक लैब में मिट्टी की जाँच करा रहा है। इसी से मिली जानकारी के आधार पर पौधे लगने का फैसला किया जाएगा। सौ से ज्यादा तरह की मिट्टी के नमूनों को उत्तराखंड के घने जंगलों से जुटाया गया है। इन नमूनों की हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र के इस आधुनिक सॉइल लैब में जांच की जा रही है। इसमें मिट्टी की पीएच वैल्यू के साथ पोषक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया जाना है। उनकी टेस्टिंग करके रिपोर्ट देते हैं तो उसके आधार पर तय होता है कि वो जो क्षेत्र है, जो मिट्टी है, वो किस पर्टिकुलर प्रजाति के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी और वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ पे पौधारोपण या कौन अन्य कार्य किया जाए। इस सॉइल टेस्टिंग लैब में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल के घने जंगलों से लाए गए मिट्टी के सैंपल की जाँच की जा रही है। इससे 2 दिनों के भीतर मिट्टी की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। इनकी जाँच में जुटा वन अनुसंधान केंद्र अब जियो टैगिंग करके सॉइल मैप तैयार करने में जुटा है। उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट भी हम साथ में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, तो इसके आधार पे हम कुछ समय बाद जो है एक सॉइल मैप बनाने की हालत में होंगे। वनों की सघनता बढ़ाने में पौधारोपण के अच्छे नतीजे मिल सकें, इसके लिए जरूरी है कि मिट्टी और मौसम के लिहाज से अनुकूल पौधे ही लगाए जाएं। जानकार मिट्टी की जाँच के आधार पर पौधारोपण को अच्छा कदम बता रहे हैं।
जियोग्राफिकली डिफरेंट क्लाइमेट में हम किस प्रकार के पौधे लगाएं, तो उसकी मिट्टी की जांच होनी चाहिए, क्या उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए क्यों गुस्सा है आलू किसान। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मोदी सरकार टॉप यानी टमेटो, अनियन और पोटेटो को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि इनकी खेती से जुड़े किसान घाटे से परेशान हैं। किसानों को मुनाफा तो दूर, फसलों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। देखिए आगरा से ये रिपोर्ट। किसान मतलब पूरी तरह तबाह हो चुका है। 16 से नोटबंदी हुई है ना, जब से बहुत भयंकर मार में है। सब्सिडी सीधी मिलनी चाहिए, नहीं किसान आत्महत्या कर जाएगा। ये बर्बादी के बयान है और कहानी है उत्तर प्रदेश में आलू उगाने वाले किसानों की, जिनकी माली हालत साल दर साल और खराब होती जा रही है। प्रदेश के आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बदायूं और बागपत जैसे जिलों को आलू बेल्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों को बीते 5 सालों से आलू की लागत से भी कम कीमत मिल रही है। आलू किसी भाव में बिकी नहीं रहा है। आलू का जो भाव है वो 300 रुपये कुंटल का रह गया, 150 रुपये पैकेट का, और जो हमारा होना चाहिए वो करीब, कम से कम हमारी लागत तो उसमें बढ़ रही है कि 1200 रुपये पैकेट होना चाहिए। आलू किसान जो है बहुत बर्बादी के कगार पे हैं, न तो किसी का जो बैंक से लोन लिया है वो चुका पा रहे हैं, न बिजली का बिल चुका पा रहे हैं, यहाँ तक है कि बच्चों की फीस भी नहीं टाइम से दे पा रहे हैं, और स्टोर वालों का भी हमारे ऊपर पैसा ड्यू चला आ रहा है, उनका भी नहीं चुका पाते हैं, जो हम उनसे 150 रुपये या ले लेते हैं वो भी नहीं निकल पाता है। किसानों को राहत देने के नाम पर योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी तक का ऐलान किया, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी किसानों को तब मिलती है जब वे अपने इलाके से 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जाकर आलू बेचें, लेकिन यहाँ किसान अपना आलू कोल्ड स्टोर में रखते हैं और वहीं से इसे व्यापारियों को बेच देते हैं। ऐसे में सब्सिडी का फायदा किसानों की जगह व्यापारियों के हिस्से में चला जाता है। आलम यह है कि आलू के किसान लगातार कर्ज में फंसते जा रहे हैं। आलू किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, वो जमीन बेचने को तैयार है लेकिन जमीन भी उसकी बिक नहीं रही, वो भी आधे दामों पर, जो 2016 नोटबंदी से पहले जो कीमत थी उसके आधे रेट है, फिर भी जमीन कोई लेने वाला है। इससे परेशान किसान अब सरकार से आलू की सही कीमत, कर्ज माफ करने और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को कोल्ड स्टोरेज के भाड़े के रूप में देने की मांग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी इन्होंने देने की बात की है, वो सरकार किसान तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके स्थान पर सीधा कोल्ड स्टोरेज का संपूर्ण भाड़ा जो किराया होता है वो सरकार सीधा देने का कष्ट करे, तभी किसान आलू किसान बच पाएगा, अन्यथा बिल्कुल आत्महत्या की कगार पर खड़ा है। आलू उगाने वाले किसान अब सरकार की नींद तोड़ने के लिए बड़े आंदोलन की रणनीति भी बना रहे हैं। आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं, लेकिन यही आलू आगरा के किसानों को कंगाल बनाता जा रहा है। ये दुर्दशा की कहानी कोई एक दो साल की नहीं बल्कि बीते कई सालों की है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ एक, और वो है सरकार की नीतियाँ। आगरा से कैमरा पर्सन एजाज के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। आलू किसानों की ये परेशानी केवल आलू किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराती जा रही है। इसका सबसे बुरा असर कोल्ड स्टोरेज चलाने वालों पर भी पड़ा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आगरा, यहाँ का आलू प्रदेश ही नहीं देश के हर कोने में जाता है। यही वजह है कि यहाँ आलू को रखने के लिए लगभग 300 कोल्ड स्टोरेज
बने हैं। लेकिन आलू किसानों की बदहाली का असर अब इन कोल्ड स्टोरेज पर भी पड़ने लगा है। जब से नोटबंदी हुई है उस साल से ही किसानों का जो आलू का उत्पादन है उसका लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, और जो किसानों को कोल्ड स्टोरेज द्वारा जो सहायता दी जाती है वो उसकी वापसी और किराए की वापसी न होने से कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री भी संकट में आ गई है और उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल साल दर साल नुकसान झेल रहे आलू किसानों को कोल्ड स्टोरेज मालिक अपने यहाँ आलू रखने के लिए कर्ज मुहैया कराते हैं। इस मदद से किसान अपनी आलू की फसल को खेतों से कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचाते हैं। लेकिन जब आलू की कीमतें गिर जाती हैं तो किसान कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू को बेचने ही नहीं आते। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज मालिकों का किसानों को दिया गया कर्ज और आलू का भाड़ा दोनों फंस जाता है। साथ ही जब तक आलू कोल्ड स्टोर में रहता है उसकी देखभाल करने से खर्च और भी बढ़ जाता है। कोल्ड स्टोरेज किराया और उस कोल्ड स्टोरेज द्वारा जो दी गई सहायता के बराबर मूल्य पर भी नहीं बिक्री होता है तो किसान फिर उसे उठाने के लिए नहीं आते हैं, तो ये सब शीतगृह को ही उसका निस्तारण करना पड़ता है, चाहे उसके कम दामों पर बिक्री करना पड़े या उसको फेंक कर या किसी गड्ढे में दबा के उसका निस्तारण करना पड़े, ये सारा भार कोल्ड स्टोरेज को उठाना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मुश्किलों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते दो सालों में यहां कई कोल्ड स्टोर बंद हो चुके हैं। सरकार की बेरुखी और नीतियों से सिर्फ आलू किसानी परेशान नहीं है बल्कि इनकी परेशानी अब कोल्ड स्टोरेज तक आ रही है। आगरा के इन कोल्ड स्टोरेज में करीब देश के एक तिहाई आलू उत्पादन का भंडारण होता है और यहीं से ये आलू देश के हर हिस्से में जाता है। लेकिन लगातार आलू किसानों को हो रहे नुकसान का खामियाजा अब कोल्ड स्टोरेज भी भुगत रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन एजाज के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। हर मौसम में आसानी से मिलने वाला आलू उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों का जायका और सेहत दोनों को बिगाड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ के लोग अब आलू खरीदने से कतराने लगे हैं। देखिए आखिर क्या है इसकी वजह। चिप्स से लेकर सब्जी तक हर जगह मिलने वाले आलू ने इन दिनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता है आलू को खाने से सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर की। यहाँ के लोगों का आरोप है कि बाजार में बिक रहे आलू में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर भी ऐसे आलू को सेहत के लिए बेहद घातक बता रहे हैं। केमिकल वाला आ रहा है क्योंकि इस सीजन में जो आता था आपका आलू कोल्ड स्टोरेज का आता था और उस दौरान हमारे मीठा होता था, वो तो साफ पता चल जाता था ये कोल्ड स्टोरेज का है। लेकिन आजकल पता नहीं ये लोग क्या मिला रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में केमिकल युक्त। सुनने में आया कि मतलब मिट्टी में मिला दे रहे हैं पोटैटोज में कोई भी केमिकल। ये देखा गया है कि 35 किस्म के केमिकल्स इसमें यूज हो रहे हैं और ये केमिकल्स हैं जो बाद में परेशानियाँ पैदा करते हैं। इसमें नौजिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, डायरिया, सांस फूलना, ये सब इस तरह की बीमारियां। और लास्ट में ये भी देखा है अगर सीवियर किसी को प्रॉब्लम आए तो इवन डेथ तक हो जाती है। दरअसल ये पूरा विवाद मैदानी आलू को केमिकल्स के जरिए ताजा पहाड़ी आलू बनाने की आशंका से जुड़ा है। हल्द्वानी की सब्जी मंडी में रोजाना पहाड़ी और मैदानी इलाकों से लगभग 1500 टन आलू आता है। स्थानीय लोगों की माने तो इसमें वो आलू भी शामिल होता है जिसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर पुराने आलू से तैयार किया जाता है। ऐसे आलू को ताज़ा पहाड़ी आलू बताकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाला आलू जो पूरी तरह से जो है कंपोस्ट खाद और गोबर की खादों के ऊपर निर्भर करता है वो बाजार में इसमें आ रहा है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में जो आलू हो रहा है जिस टिप्सोना वगैरह जो है जो शुगर फ्री के नाम से मार्केट में बेचा जा रहा है और उसको बाजार में ग्राहकों को पहाड़ी आलू के नाम पर बेच दिया जा रहा है। आलू चाहे पहाड़ी हो या मैदानी, अगर उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल है तो इससे सेहत के लिए मीठे जहर से कम नहीं माना जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जो अपने मुनाफे के लिए लोगों की सेहत तक को दांव पर लगा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
किसान बुलेटिन में चलते चलते आपके लिए ये रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हमने आपको लुधियाना से सॉइललेस किचन गार्डन की खबर दिखाई थी। आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां ताज़ी सब्जियों की चाह रखने वाले कई परिवार अपनी छत पर ही सब्जियां उगा रहे हैं, वो भी बिना मिट्टी के। देखिए ये रिपोर्ट। हरे भरे पौधे और इन पर लगी ये सब्जियां, ये कोई खेत नहीं बल्कि छत है ना, बिल्कुल अलग खेती। इन सब्जियों को अपनी छत पर जैविक तरीके से उगाया है राजस्थान के जयपुर में रहने वाले डॉक्टर राम अवतार ने। अभी इस बगीचे में भिंडी, बैंगन, करेला, लौकी और हरी मिर्च जैसी कई सब्जियां लगी हैं। इससे उन्हें रोजाना अपनी जरूरत से ज्यादा कहीं ज्यादा सब्जियां मिल जाती हैं। हमारे परिवार के अलावा हमारे जो भी नियर बाई रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी हम भेजते रहते हैं। तो एक लौकी से आप 50 से के आसपास लौकी ले सकते हो। ऐसे ही तुरई भी है, आप 40-50 तुरई एक बेल से ले सकते हो। डॉक्टर राम अवतार ने 5 साल पहले प्रगतिशील किसान भवर सिंह पीलीबंगा की मदद से अपनी छत पर सब्जियों की खेती शुरू की थी। उन्होंने इसमें मिट्टी की जगह नारियल के रेशों से तैयार कंपोस्ट का इस्तेमाल किया ताकि छत पर आने वाले बोझ को घटाया जा सके। अभी राम अवतार अपने घर से निकलने वाले जैविक कचरे को खाद बनाकर इसी बगीचे में इस्तेमाल करते हैं। घर में जो सब्जी वगैरह बच जाती है, फूड रेजिड्यू है, उसको सारा मैंने एक सिस्टम बना रखा है और सारी कंपोस्ट उसी की बनती है। मिट्टी हम काम में लेते नहीं, नारियल की जूट और कंपोस्ट में ये सारी की सारी जो गार्डन है वो लगता है, इसलिए ज्यादातर कीड़े कम आते हैं इनके अंदर। हालांकि राम अवतार जयपुर में अपनी छत पर सब्जियां उगाने वाले अकेले शख्स नहीं है, बल्कि कई परिवार इसी तरह से अपनी छत पर सब्जियां उगा रहे हैं। शुरुआती तौर पर लगभग 15-20 जगह छतों पर लगाया था हमने, और काफ़ी लोगों ने इसमें रुचि भी दिखाई थी कि भाई छत पर सब्जी। मेन उद्देश्य क्या, जहरीली जो सब्जियां आ रही है, हर आदमी ये चाहता है कि छत के ऊपर इतना स्पेस बचा हुआ है कि उसके अंदर मैं मेरे यहाँ जितनी घर की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं सब्जियां उत्पादन कर लूँ। खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से फल सब्जियों को जहरीला बनाता जा रहा है। ऐसे में छत पर सब्जियां उगाने का ये तरीका लोगों के लिए सेहतमंद सब्जियां पाने का अच्छा जरिया बन रहा है। घर की छत पर अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो मच्छर तो जरूर आएंगे, लेकिन जो स्वाद यहाँ पर इस सब्जी में खाने को मिलेगा वो स्वाद बाजार में कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्य बिना जहरीली सब्जियां खाएं तो इस तरह का गार्डन अपनी छत पर लगा सकते हैं। जयपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए रामस्वरूप लामरोड़।